Ali Agarwal and welcome back to my YouTube channel for my scholar. In this video, I am going to discuss about interfaces in Java. So, we'll discuss the introduction of interfaces, the differences between a class and an interface, and how we can implement an interface in a program. Okay, so let's start. Okay, अगर हम बात करते हैं अब इंटरफेस की तो आप कह सकते हैं इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा. इनहेरिटेंस वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि इनहेरिटेंस होता क्या है, एंड देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है जावा में तो आप उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा इंटरफेस का कॉन्सेप्ट. ओके, तो अब इंटरफेस होता क्या है? इंटरफेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्लास की तरह ही है. जैसे क्लास का स्ट्रक्चर होता है, क्लास में हम क्या क्या रख सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, मैथड्स हो सकते हैं, उसी तरह से इंटरफेस में भी वेरिएबल्स हो सकते हैं एंड मैथड्स हो सकते हैं. बट कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पर. कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि जो भी मैथड्स होंगे इंटरफेस में वो सारे मैथड्स एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स होंगे. ओके, एंड जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी आप फील्ड्स डिक्लेयर करोगे एक इंटरफेस में, वो सारे किस टाइप के फील्ड्स होंगे? कॉन्स्टेंट फील्ड्स होंगे. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेस एंड अ क्लास. एक क्लास में क्या होता है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं एंड इसके अलावा नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं. बट इन केस ऑफ इंटरफेस केवल कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स विल बी यूज. ओके, सेकेंड डिफरेंस इज कि क्लास में नॉर्मल मैथड्स भी हो सकते हैं, इंस्टेंस मैथड्स हो सकते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स भी हो सकते हैं. बट इन केस ऑफ इंटरफेस केवल एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स विल बी यूज, ठीक है, केवल एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स को ही डिक्लेयर किया जाएगा. यानी कि उसकी एक और क्लास बनानी पड़ेगी, सब क्लास बनानी पड़ेगी जहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स की डेफिनेशन देंगे. एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, उसका भी आइडिया अगर आपको नहीं है तो जस्ट गो टू दैट वीडियो. थर्ड डिफरेंस होता है, क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू एक्सेस मैथड्स और वेरिएबल्स ऑफ दैट क्लास आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप किसी क्लास के मैथड्स को एंड वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, जबकि इंटरफेस के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है. जो भी क्लासेस बनेंगी नॉर्मल क्लासेस उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, बट इंटरफेस के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है. एक प्रोग्राम में जैसे हम मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, ऐसे ही मल्टीपल इंटरफेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, तो उस केस में हम लोग क्या कीवर्ड यूज़ करते थे, एक्सटेंड्स. ऐसे ही अगर कोई इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो इन दैट केस ऑल्सो वी यूज़ द कीवर्ड दैट इज़ एक्सटेंड्स. बट अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करती है इन दैट केस हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट्स. उस केस में क्या कीवर्ड यूज़ होता है, इम्प्लीमेंट्स. इसका मैं आपको सिंटेक्स बताती हूँ. सिंटेक्स क्या होता है इसका, फर्स्ट यू विल राइट इंटरफेस, इट्स अ कीवर्ड. अगेन जैसे क्लास एक कीवर्ड है ऐसे ही इंटरफेस भी एक कीवर्ड है. ओके, एंड देन यू विल राइट द नेम ऑफ द इंटरफेस. लेट सपोज द नेम ऑफ द इंटरफेस इज ए बी सी, एंड इन दिस नाउ यू विल क्रिएट द फील्ड्स. कॉन्स्टेंट तो क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, केवल कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स विल बी देयर. एंड इसके अलावा क्या हो सकते हैं, यहाँ पर मैथड्स हो सकते हैं और वो किस टाइप के होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स. सो दिस इज़ द बेसिक सिंटेक्स ऑफ राइटिंग एन इंटरफेस. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स. ये कॉन्स्टेंट था, मैंने कॉन्स्टेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है. तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं. तो इंटरफेस के केस में अगर आपने लिखा है इंट ए इज इक्वल्स टू 100, ओके, या फिर आपने लिखा है पब्लिक static final int a is equals to 100. Both the statements are same in case of interface. यानी कि इंटरफेस के केस में जो भी वेरिएबल्स होंगे, जैसे मैंने कहा कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स होंगे, इसके अलावा उनकी और क्या प्रॉपर्टीज होगी, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे किसी इंटरफेस में वो पब्लिक वेरिएबल होगा, स्टैटिक भी होगा एंड फाइनल वेरिएबल भी होगा, ठीक है. तो इंटरफेस में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट ए इज इक्वल्स टू 100, या फिर अगर आप लिखते हैं इंट ए इक्वल्स टू 100, दोनों ही सेम है. यानी कि अगर आप जब लिख रहे हैं यहाँ पर इंट ए 100 तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस टाइप का वेरिएबल है, ए इंटीजर टाइप का तो है ही, इसके अलावा वो पब्लिक भी है, स्टैटिक भी है, फाइनल भी है.
तो हम लोग जब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, int a इज इक्वल्स टू 100, बट बाय डिफॉल्ट वो किस टाइप का कंसीडर किया जाएगा, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स, देखिए ये अभी एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ पर, ये सब कुछ कॉमेंट है, ठीक है, मैं अभी आपको जस्ट समझा रही हूँ यहाँ पर इस विंडो पर. ओके, अभी हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, सो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स, तो अगर आप लिखते हैं इंटरफेस में int a, एक फंक्शन लेट सपोज आपने बनाया है int a, और अगर आप लिखते हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक int a, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सेम हैं इन केस ऑफ इंटरफेस. इट मीन्स एक इंटरफेस में अगर आप कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर किया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड अ पब्लिक मेथड, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट कैसा मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक बोथ. तो आप चाहे लिखें एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक int a या फिर int a, दोनों ही सेम कंसीडर किए जाएंगे. तो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट int a. ओके, फर्स्ट वी विल राइट द टाइप ऑफ द फंक्शन एंड देन द नेम ऑफ द फंक्शन. ओके, तो ये था बेसिक ऑफ एन इंटरफेस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस इन दिस कॉन्सेप्ट, तो अगर कोई क्लास हमारे पास, लेट सपोज एक क्लास है a, एक क्लास है b एंड एक क्लास है c, और ऐसे ही हमारे पास इंटरफेस है इंटरफेस d, e, f, ठीक है, लेट सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें तीन क्लासेस हैं a, b, c एंड तीन इंटरफेस हैं d, e, f. Now, class A wants to inherit class B. तो हम क्या लिखते थे वहाँ पर, हम लिखते थे class A extends B. इसका क्या मीनिंग होता था कि class A class B को inherit करती है. इसी तरह से अगर कोई इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को inherit करना चाहता है तो in that case हम कैसे लिखेंगे, interface D extends interface E. ठीक है, अब अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहती है तो इन दैट केस वी विल यूज क्लास, लेट सपोज ए इनहेरिट करना चाहती है इंटरफेस ई को, तो हम इसको लिखेंगे क्लास ए इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस ई. ठीक है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन केस ऑफ इंटरफेस एंड इन केस ऑफ क्लास. ओके, अगर दोनों क्लासेस हैं तो हम लिखते हैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, अगर दोनों ही इंटरफेसेस हैं इन दैट केस ऑल्सो हमने क्या कीवर्ड यूज किया, एक्सटेंड. बट अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है तो हम उस केस में क्या कीवर्ड यूज करते हैं, इंप्लीमेंट. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन इंप्लीमेंट एन इंटरफेस एंड क्लास. ओके, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसको मैं अभी स्किप करूंगी. फर्स्ट हम इंप्लीमेंट करते हैं एक इंटरफेस, इंटरफेस ए. हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का int b इज इक्वल्स टू 10 एंड एक हम एक मेथड यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली वो मेथड किस टाइप का होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा एंड पब्लिक मेथड होगा. तो हम कैसे लिखते हैं उसको, लेट सपोज द टाइप ऑफ द मेथड इज void एंड द नेम ऑफ द मेथड इज disp. ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट एक इंटरफेस ए को इम्प्लीमेंट किया है. अब देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल दिया है int b, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, पब्लिक होगा, स्टैटिक भी होगा एंड फाइनल भी होगा. एंड जो ये मेथड है ये किस टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट भी है एंड पब्लिक भी है. क्योंकि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इट मीन्स इसका जो डेफिनेशन होगा वो कहाँ दिया जाएगा, इसकी सब क्लास में. ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसका डेफिनेशन हमें नहीं देना है. ओके, अब एक और हम इंटरफेस लेते हैं, इंटरफेस सी, एंड इसमें हम एक और फंक्शन लेते हैं void disp one. disp एंड disp one ये दोनों ही मैथड किस टाइप के हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स हैं. इट मीन्स इनकी डेफिनेशन के लिए हमें एक क्लास तो ज़रूर बनाना होगा, क्योंकि अगर आप इंटरफेस बनाते हैं तो आप इंटरफेस में इन एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स का डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, नेम और द एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर किया जाएगा, उसका कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया जाएगा. इट मीन्स आपको एक क्लास क्रिएट करनी होगी जिसमें आप डेफिनेशन दे पाएंगे disp एंड disp वन की. ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाई क्लास ए बी सी. अब हम यहाँ पर डेफिनेशन देंगे disp की एंड disp वन की भी, क्योंकि दोनों ही मैथड्स किस टाइप के थे, एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स थे. अब आप पर डिपेंड करता है कि आप केवल disp की डेफिनेशन देना चाहते हैं यहाँ पर, या disp वन की डेफिनेशन देना चाहते हैं, या दोनों की डेफिनेशन देना चाहते हैं. अगर आप किसी एक की डेफिनेशन क्लास ए बी सी में देना चाहते हैं, disp वन की डेफिनेशन किसी दूसरे क्लास में देना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट.
ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्लास ए बी सी में ही दोनों ही फंक्शंस की डेफिनेशन मैं यहाँ पर दूंगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, क्लास ए बी सी इम्प्लीमेंट करेगी इंटरफेस ए को भी एंड इंटरफेस सी को भी, तभी वो इन फंक्शंस की यहाँ पर डेफिनेशन दे पाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा सी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एक बार में ही इस क्लास ने दोनों ही इंटरफेसेस को इनहेरिट कर लिया, दोनों ही इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेफिनेशन देंगे डिस्प एंड डिस्प वन की। तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पर वॉइड डिस्प, ओके, एंड यहाँ पर इसका डेफिनेशन देंगे, लेट सपोज हमें जस्ट प्रिंट करना है यहाँ पर हे, तो हम लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये डिस्प मैथड एब्स्ट्रैक्ट मैथड तो था ही, इसके अलावा पब्लिक मैथड भी था। तो जब हम यहाँ पर डेफिनेशन देंगे, इसी तरह से हम डेफिनेशन देंगे अब डिस्प वन की, और यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं हेलो, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक क्लास ने इम्प्लीमेंट किया दो इंटरफेसेस को ए एंड सी को। अब अगर आप यहाँ पर केवल एक फंक्शन की डेफिनेशन देना चाहते थे, सिर्फ डिस्क की डेफिनेशन देना चाहते थे, तो आप यहाँ पर जस्ट लिख सकते थे क्लास ए बी सी इम्प्लीमेंट्स ए जस्ट। ठीक है, एक और आपको क्लास बनानी पड़ती है उस केस में, क्लास डी ई एफ लेट सपोज, एंड देन आप इनहेरिट कर सकते थे, इम्प्लीमेंट कर सकते थे इंटरफेस सी को। बट यहाँ पर मैंने क्लास ए बी सी में ही दोनों क्लास से दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया है। अब हम बनाएंगे एक ऐसी क्लास जिसमें हम मेन मैथड डिक्लेयर करेंगे। तो हमने क्लास बनाई ई एफ जी, नाउ वॉट वी विल डू, वी वॉन्ट टू एक्सेस द एलिमेंट्स द फंक्शंस ऑफ दीज इंटरफेसेस, बट इंटरफेसेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा उस क्लास के लिए जिसमें हमने इनके मैथड्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो इट मीन्स हम किस क्लास के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास ए बी सी के लिए। सो ए बी सी ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू ए बी सी। वैसे हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ा था, कि हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथड। अगर आपको आइडिया नहीं है तो जस्ट गो टू दैट वीडियो फर्स्ट, उस वीडियो को एक बार देखिए, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा वहाँ से, और यहाँ पर आपको इस ये चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आई कैन एक्सेस डिस्ट वन फंक्शन, डिस्ट फंक्शन एंड द वेरिएबल ए ऑल्सो। सो फर्स्ट वी विल कॉल द फंक्शन डिस्ट, and then we will call the function this one. Okay, before executing this program, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लास फाइल जो आप नेम सेव करेंगे वो किस नेम से होना चाहिए, उस क्लास के नेम से जिसमें आपने मेन मैथड को डिक्लेयर किया है। तो देखिए यहाँ पर उस क्लास का क्या नाम है, ई एफ जी, जबकि फाइल का नाम है यहाँ पर सी एल ए। तो हम यहाँ पर उस क्लास का नेम चेंज कर देते हैं, सी एल ए हमने कर दिया है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल एफ 11। देखिए आउटपुट हमारे पास आ गया है हेलो। क्या हुआ, देखिए जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मेन मैथड। मेन मैथड में क्लास ए बी सी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद सबसे पहले किस फंक्शन को कॉल किया गया, डिस्प फंक्शन को। तो डिस्प फंक्शन में क्या है, हे, एंड देन डिस्प वन फंक्शन में क्या है, हेलो। तो इसलिए हमारे पास कितना प्रिंट हो गया, हे हेलो। तो इन दिस वे वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस एंड क्लासेस के थ्रू हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक क्लास एक ही टाइम पर किसी इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है एंड किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट भी कर सकती है। तो इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।